गलतियां कर रहा है और मारे पे इल्जाम लगाती है, शर्म ना आए थारे को? आवाज नीची नीची आवाज करके बात करो मुझसे। तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरे घर में हो। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को 2 मिनट में यहां से धक्के मारकर निकाल सकती हूं, समझी? ये धमकी किसी और को देना, तू भी कोई दूध की धूली ना है। तूने अगर ये करने की सोची ना, मैं भी पीछे ना हटूंगी। थारी पूरी असलियत मित्तल परिवार के सामने खोल के रख दूंगी। कलावती, कलावती धमकियों से ना डरेगी। तूने मारी छोरियों की शादी तोड़ने की इतनी सी भी कोशिश की ना, मैं नूपुर को थारा सब सच बता दूंगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनके बीच में तू एक नागिन पल रही है। कलावती, आइंदा ये हाथ उठाना तो कलावती के रगों में इतनी तेजी है ना कि जे हाथ थारे धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? आउट ऑफ माय रूम। अरे आउट तो मैं हो जाऊंगी, पर जे भी सुन ले, अगर तूने मारी छोरियों की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश भी की ना, तो मैं भी तुझे मित्तल परिवार से आउट कर दूंगी। आज तक तुम्हारी पक्की सहेली थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, आज से दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू। थारे को कलावती से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। आउट। तुम जानती नहीं कलावती कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। तुम्हारी लाइफ बिखेर के ना रख दी ना मैंने, तो मेरा नाम सिंदूरा मित्तल नहीं। और रही बात सुमन की, तो वो तो इस घर की बहू बनने के बस सपने ही देख सकती है। आई प्रोमिस यू कलावती, अब संजना और अंतरा की शादी तोड़ने के लिए सिंदूरा मित्तल अपनी जान लगा देगी। यानी सिंदूरा ने धोखे से मनन और साहिल की शादी कलावती जी की बेटियों से तय कर दी। अगर इन दोनों की बातों में जरा सा भी सच है तो ये शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझे ये बात इन्हें और मासा को बतानी चाहिए? रणवीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। क्या हुआ मॉम, कुछ काम था? तो कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहेगा? मॉम, आप जानती है ना, मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आपका गुड बॉय हूं ना। वैसे मॉम, सच कहूं तो आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि फाइनली सुमन ने शादी के लिए हाँ कह दिया। एक माँ यही चाहेगी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे, और अगर तेरी खुशी सुमन है तो ठीक है, मुझे सुमन मंजूर है। एक्सक्यूज मैम। यस। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। बोलिए। वो जो गोरा वाला लंबा लड़का है, वो आपका बेटा रणवीर है ना? जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आई मीन, आप लड़की वालों की तरफ से हैं या? आपने मुझे नहीं पहचाना,
आपका कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर? किस बात का कॉन्ट्रैक्टर? जी ये जो सारा इंतजाम है वो मैंने ही कराया। ओ, अच्छा किया। थैंक यू। आज मेरे हाथों में साहिल की मेहंदी लग रही है और वो है कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। नॉट फेयर शिव जी, मैंने तो पूरी ऑनेस्टी के साथ 16 सोमवार किए थे, फिर मेरी लाइफ में अंतरा और सुमन भाभी जैसी हैप्पीनेस क्यों नहीं लिखी आपने? साहिल जी। दादी सा, तो संजना की हथेली पे मेहंदी से खुद अपना नाम लिखते। दादी सा मैं? और नहीं तो क्या मैं? अरे दुल्हन वो तेरी बनने वाली है, शादी तेरी होने वाली है और रस्में निभाऊंगी मैं? दादी साहब मुझसे नहीं होगा ये। मासा, दादी साहब सुमन भाभी कहीं नहीं दिख रही। What? अरे मतलब क्या है थारा कि सुमन वहां नहीं है? वहां नहीं है तो कहाँ है? मासा वो तो पीछे वाले नल पे हाथ धोने गई थी, लेकिन पता नहीं मैंने आसपास सब जगह देखा पर वो कहीं नहीं दिखी मुझे। दादी साहब मैं भी देख के आता हूँ। रुक छोटे, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मैं पार्किंग और आउटहाउस में देख के आता हूँ। हाँ बेटा। मासा आप लोग घबराइए मत, आ जाएगी। मासा दरवाजा खोलिए। भाई आवाज तो यहीं से आ रही है। एक काम करते हैं, आप उधर देखिए, भाभी आप यहाँ देखिए, मैं ऊपर जाता हूँ। भाभी ये सोचते हुए कोता दरवाजा खोलो। सुमन भाई यहाँ तो कोई नहीं है। भाभी नहीं मिली, बाहर देख। रणवीर भाई बेसमेंट, दरवाजा खोलो। बेटा सुमन तुम ठीक तो हो? चमन ने हमें बताया कि तुम मिल नहीं रही हो और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा रणवीर कहां थी ये? जी स्टोर रूम में। क्या स्टोर रूम में? जी हाँ। सुमन का फोन? रणवीर जी मुझे भी सुमन भाभी कहीं नहीं मिली। लेकिन सुमन इतने लोगों की भीड़ में जाकर वही तो समझ। मैं चाहता हूं कि सुमन भी मेरे हाथों पे अपना नाम लिखे। इन दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है, फिर भी न जाने क्यों लोग इन्हें अलग करने पे लगे हुए। आप भी तो यही चाहती है ना मैडम? सिंदूरा तेरा छोरा तो गया हाथ से, क्योंकि सुमन की मेहंदी का रंग सबसे गाढ़ा है और मेरे तीनों पोतों में से रणवीर ही अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करेगा। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाए? नेवर। सिंदूरा मित्तल अपने जीते जी ये कभी होने नहीं देगी।